क्रिकेट की दुनिया में अपने मन पसंद खिलाड़ी से मिलना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है, और ये जो उपलब्धि है ये हर किसी के बस में नहीं होती है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको यह उपलब्धि मिल पाती है अपने मन पसंद खिलाड़ी से मिलना, जैसे कि मानो उसने भगवान को देख लिया हो। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वे जो लोग होते हैं जो अपने मन पसंद खिलाड़ी से मिलते हैं, तो मिलने के बाद में उनको बहुत कुछ भुगतान करना पड़ता है। वीडियो में भुगतान करने का मेरा मतलब है कि उनको बहुत कुछ कष्ट सहने पड़ते हैं। तो वीडियो के बारे में बात करूं उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं अपना चैनल को ग्रो करने के लिए और साथ ही आप सभी का साथ पाने के लिए इस चैनल पर वीडियो डालता हूं। तो मेरा साथ दें और साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि क्रिकेट के स्टेडियम में कुछ फैंस अपने मन पसंद खिलाड़ी से मिलने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर और मैदान में पहुंच जाते हैं, और अपने मन पसंद खिलाड़ी से मिलने के बाद में उनकी जो खुशी होती है वो एक अलग ही लेवल पे होती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि उनकी यह खुशी कुछ देर के लिए होती है। जब तक वो अपने मन पसंद खिलाड़ी से मिलते हैं तब तक उनके मन में खुशी होती है, लेकिन उसके बाद में सिक्योरिटी गार्ड उनको पकड़ के बहुत ही बेरहमी से पिटाई करते हैं। इस बात का खुलासा कुछ ही दिन पहले यानी कुछ महीने पहले हुआ, जब टेस्ट सीरीज में विराट कोहली से मिलने विराट कोहली का फैन पहुंचा। लेकिन इसके बाद में जो सिक्योरिटी गार्ड विराट कोहली के फैन को लेकर गए, वो स्टेडियम के एक तरफ रूम में उस दर्शक की बहुत ही बुरी तरह से पिटाई कर रहे थे, और यह दर्शक स्टेडियम में लगे ड्रोन कैमरे में कैद हो गया। तो इसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेडियम में किसी भी दर्शक का जाना बहुत ही नामुमकिन होता है, लेकिन जिसके बाद भी अगर वो पहुंच जाता है तो उसके बाद में उसकी बहुत ही बुरी तरह से पिटाई होती है, और साथ ही सिक्योरिटी रीजन के चलते उस पर कुछ पैसों और जुर्माना भी लगाया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अपने मन पसंद खिलाड़ी से मिलना इतना भी आसान नहीं होता जितना कि क्रिकेट में दिखाया जाता है। और आप भी कमेंट करें कि अगर आपको कभी अपने मन पसंद खिलाड़ी से मिलना हुआ तो आप किससे मिलेंगे।